जय, ये लो तुम्हारा फोन। मैं अपना फोन चार्ज पे लगाती हूँ। लैब से फोन आता ही होगा ये बताने के लिए कि रिपोर्ट्स किसके हाथों भिजवाई है। जाया, अच्छा हुआ हाँ तुमने रिपोर्ट ईमेल से नहीं मंगवाई। मतलब? मतलब के? मतलब कि हमारे घर में कंप्यूटर नहीं है ना भाभी, इसलिए माँ ने ऐसा कहा। हाँ मैंने भी यही सोचा, सुषमा होती तो मैं उसे साइबर कैफे भेजकर ना प्रिंटआउट निकाल लेती, लेकिन वो भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि रिपोर्ट को हैंड डिलीवरी से मंगवाना ही बेहतर होगा। बहुत अच्छा भाभी। अच्छा किया। मुझे ना अपना फोन चार्ज करना है, मैं चलती। हाँ भाभी। हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? जय, मैं तो सिर्फ हेलो। हाँ सुधाकर। अरे एक मिनट रुक, सुधाकर कहाँ है तू? मैं आश्रम पहुँच गया काका। क्या हुआ, आपको मेरी याद आ रही है? आपको पानी चाहिए? अरे पानी नहीं चाहिए मुझे, मुझे वकील चाहिए। कील चाहिए? कौन सी दीवार पे मारनी है कील? कितनी कील चाहिए? तेरे कान के पर्दे के ऊपर कील ठोकने आए मुझे। पागल गएगा। वकील, वकील चाहिए मुझे। वो तुकाराम वकील है ना अपना, उसका नंबर है क्या तेरे पास? तो मैं बताता हूँ। अरे तू बताएगा लेकिन इतना बड़ा नंबर मैं याद कैसे रखूंगा। हाँ एक काम कर, वो आजकल वो मैसेज भेजते है ना, वो नंबर भेज दो मुझे। ठीक है। लेकिन काका, हा? आपको वकील क्यों चाहिए? किसी का झूठ पकड़ा गया क्या काका? अरे नहीं रे, कुछ भी सोचते रहता है तू, वो एक दूसरा ही काम है मेरा। हाँ काका अभी भेजता हूँ। क्या हो गया? अरे रो क्यों रहा है तू? काका मुझे बहुत रोना आ रहा है, मेरा दिल भर गया काका। लेकिन क्यों? मेरे स्वागत के लिए लोग खड़े हैं, हाथों में फूलों की थाली लेकर आरती सजाए हुए। क्यों, उनको पता चला क्या तुम वहाँ जाने वाले हो? आपने ही बताया होगा ना काका। अरे मैंने अगर बताया होता तो मुझे पता चलता ना, मैंने बताया है तो मैंने नहीं बताया है ना। आपने नहीं बताया? ज्ञानचंद महाराज की जय। ज्ञानचंद महाराज की जय। बोलो महाज्ञानी त्रिलोक उजागर त्रिकाल ज्ञानी की जय। अंतर्ज्ञानी महाबापू महाज्ञानी ज्ञानचंद महाराज की जय हो। ये सुधाकर, सुधाकर ये ज्ञानचंद जी वहाँ है क्या? हाय शपथ काका, आप भी अंतर्यामी हो गए, आपको कैसे पता चला? अरे उनकी जय जयकार की आवाज तेरे मोबाइल से सुनाई दे रही है मुझे। वो वहाँ कैसे है? एक काम कर, एक काम कर, वो फोन उनको दो, मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। अब हमें बताओ कि महासंस्कारी महापरोपकारी महाज्ञानी महागुणी दीपक कहाँ है? महाबापू जी, जैसे आपने कहा था मैंने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है और उसके गले में चाबी रख दी है। अच्छा, पर वो अभी तक बाहर नहीं आया है। अरे एक काम करिए, आप ही उसे बाहर निकालिए, ये लीजिए चाबी। नहीं सुषमा बेटी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आज हम अपनी ज्ञान की चाबी से कमरे का ताला खोलेंगे। अबे चाबी किधर, चाबी ये थोड़ा था। माँ बापू जी। हाँ कहो। यहाँ यहाँ। अरे धन्य भाग, आपके दर्शन हो गए, ये लीजिए। अरे वाह सुधाकर बेटा, ये होता है भक्त जो हमारे लिए उपहार में फोन भेंट कर रहा है। वाह सुधाकर बेटा, परंतु ये डब्बे वाला फोन क्यों? दीपक जैसा स्मार्टफोन तुम्हें हमें भेंट करना चाहिए। चलो कोई नहीं। हाँ बापू जी, ये भेंट नहीं है, काका बात करना चाहते, फोन चालू है। लोखंडे जी है। हाँ लोखंडे जी। हाँ नमस्कार नमस्कार, मैं फोन पे से साष्टांग दंडवत करता हूँ। अरे नमस्कार नमस्कार। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ ज्ञानचंद जी। मैं यहाँ आश्रम में आया हूँ क्योंकि यहाँ पर अति संस्कारी महापरोपकारी महाज्ञानी दीपक है। हाँ मालूम है, वो दीपक दीपक है वहाँ।
ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ, मैं भी आश्रम आ जाता हूँ आपके दर्शन के लिए। अरे नहीं नहीं लोखंडे जी, आप क्यों कष्ट उठाते हैं, आप छोटू का ख्याल रखिए, यहाँ हम अपने प्यारे लाडले दीपक के साथ समय व्यतीत करेंगे। अच्छा लोखंडे जी, हम फोन रखते हैं, आके आपसे मिलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, हेलो 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 सुधाकर बेटा, कैच ये सुधाकर लंगूर से बच के रहना है, ना ये मेरे पास आना चाहिए ना तुम लोग के पास, वरना वाट लग जाएगी, सब पकड़े जाएंगे, ठीक है? हाँ चलो, जय जय का। अब ज्ञानचंद बाबा की जय हो, ज्ञानचंद बाबा की जय हो, परम ज्ञानी ज्ञानचंद बाबा की जय हो। मालपानी, जय को क्यों परेशान करती हो, उसके सर पे ऑलरेडी कितना सारा टेंशन है, देखा ना कैसे गुस्से में निकल गया यहाँ से। दो तीन चार पैसे की जो भी अक्कल है ना, उसको कम से कम इस्तेमाल तो कर लिया करो। What do you mean, दो तीन चार पैसे? हाँ, What do you mean, दो तीन चार पैसे? आपको पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है माल पानी। जितना समंदर में पानी नहीं है ना, उतना माल है मेरे पास। हाँ, और जैसी मुंह खोलती है ना, सारे चिल्लर गिर जाते। उम्र का लिहाज करके बात करो। ओके, किसकी, मेरी की तुम्हारी? Of course, मेरी। तुम उम्र में इतनी बड़ी हो? सहूलाला। ठीक है, तुम्हारी। छोटे की उम्र का लिहाज नहीं करते। पॉइंट इज, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जय के पास बात करने जा रही थी, पर वो ही गुस्से में चला गया। और अगर उसके पास एटीट्यूड है ना, तो मेरे पास तो डबल एटीट्यूड है। और अगर वो गुस्से में जा सकता है, तो मैं भी जा सकती हूँ। चाहे थोड़ा गड़बड़ कम होगी। What do you mean by गड़बड़? मैं गड़बड़ संभालती हूँ। और तुम लोग को अगर ऐसा लगता है ना कि मैं गड़बड़ करती हूँ, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ले आओ दूसरी मालपानी। मैं जा रही हूँ। हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। ओके, मैं जा रही हूँ, बाय। ये उर्मिला, हाँ, तो सच में चली गई? अरे दो तीन घंटे बाद वापस आ जाएगी, टेंशन मत ले। ओके ओके, लास्ट चांस लास्ट चांस लास्ट चांस, मैं तुम सबको लास्ट चांस देती हूँ। रोकना है तो रोक लो, ठीक है? ओके, अब मेरे बगैर तुम लोग सब लोग संभालो। ये माजी कहाँ चली गई? भाभी, जया बेटी, वो दरअसल मिस बहन जी मंदिर गई है। वो कहना कि आज वो रिपोर्ट्स आने वाले हैं ना, तो रिपोर्ट्स अच्छे आए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए गई है। लेकिन वो क्या संभालने की बात कर रही थी? वो भाभी, पिताजी, पिताजी को संभालने की बात कर रही थी। हाँ, वो क्या है ना कि इन्हें बहन जी से अच्छा और कोई संभाल नहीं पाता ना, इसलिए। हाँ, ये बात भी सही है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं ना, लेकिन एक माँ की और एक पत्नी की जगह तो कोई नहीं ले सकता। सही बोल तो है। अगर एक बाप से पूछो ना, तो एक बेटी और एक बहू की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो समय पर आ गई ना, मुझे गोली खिला दे। हाँ पिताजी, ये लीजिए। अब बस रिपोर्ट आने का इंतजार है। एक बार रिपोर्ट आ जाए ना, फिर हम तय कर सकते हैं कि डोज बढ़ाना है कि कम करना है। अच्छा, अरे पिताजी आप मेरा लोखंडी जी, अरे हेलो प्रेमचंद जी, जया है वहाँ पे? है ना, यही पे मेरे बाजू में खड़ी है। एक मिनट देता हूँ, बाबा का फोन है। हेलो, हाँ जया बेटी, तुम घर पे हो? हाँ बाबा, मैं तो घर पे हूँ, आप कहाँ हो? मैं भी घर पे हूँ। तो फिर एक घर में रह के फोन क्यों किया? तुम कहीं दिखी नहीं, और तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ लग रहा था, तो मुझे चिंता होने लगी। हाँ बाबा, वो मेरा फोन ना मैंने चार्ज पे लगाया है। हाँ हाँ, बेटी जरा बात करनी है, आओगी? मैं बस अभी आती। हाँ।
ये रिपोर्ट हमारे हाथ में कैसे भी करके आ जाना चाहिए। कैसे छुपाएंगे इस रिपोर्ट को? अरे छुपाना ही पड़ेगा, अगर वो रिपोर्ट जया के हाथ में चला गया ना तो गए, पकड़े जाएंगे हम लोग, जय की शादी भी टूट सकती है। क्या प्रेमचंद जी की रिपोर्ट जया के हाथ में आ गई तो जय जया की शादी टूट जाएगी? ऐसा क्यों कह रहे थे प्रेमचंद जी? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, इसका मतलब ये है, ये प्रेमचंद जी की रिपोर्ट दूसरे किसी के हाथ लगने से पहले मेरे हाथ में आनी चाहिए। ज्ञानचंद महाराज की जय! ज्ञानचंद महाराज की जय! बस बस बस, अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ओह, सुषमा बेटी, कमरे की चाबी कहाँ है? माँ बापू जी, आपने तो कहा था कि आप अपनी ध्यान की शक्ति से ताला खोलेंगे। हाँ, हमें याद है। हम तो बस ये देख रहे थे कि तुम्हें याद है कि नहीं। बड़ी दिमाग वाली हो सुषमा। अब देखो हम कैसे कमरे की चाबी अपने ज्ञान से उत्पन्न करते हैं। ये देखिए चाबी। जय हो जय हो। अब हम इस कमरे को खोलेंगे। खुल गया। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि दीपक में बहुत सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, उसकी ऊर्जा से जल के भस्म हो जाओगी। इसीलिए हमें जाने दीजिए, हटिए। ए, ध्यान रखना कोई आने न पाए, हम अभी लेकर आते हैं। रुक जाइए, आप भी संभल कर जाइएगा। हट जाइए, हटाओ सबको, बहुत उर्जित है। अरे हटिए, ये उर्जित है। अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो दीपक है। मूर्ख औरत, गुजराती वाला उर्जित नहीं, ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ उर्जित है। पीछे हटो वरना तुम भस्म हो जाओगी। अरे शाकू मौसी किधर चली गई? हाथ अकड़ गया था, 2 मिनट के लिए नीचे रखा और शाकू मौसी चली गई। किधर चली गई ये मौसी? ए, ओवर एक्टिंग मत करना, समझा? मेरी तरह नेचुरल कर, नेचुरल नेचुरल, ऐसे जीभ में का ऐसा। ये क्या? चल छोड़। ए, सबको रोक। सब लोग स्थान ग्रहण कीजिए, जय कारा हो, सबको प्रवचन मिलेगा। आइए। आ गया। कौन है? अरे कोई नहीं आया है तो आइडिया आ गया। अरे आइडिया क्या? देख, जिस तरह हमने जय की छपी हुई तस्वीर वाला अखबार जलाया था ना, और वो दीपक की नकली खबर वाला अखबार, हाँ वैसे ही रिपोर्ट आते ही हम जला देंगे। अरे क्या बात है, एकदम जबरंग आइडिया है अंकल। लेकिन मालपानी होती ना तो वो और अच्छे से जलाती यार फाइल। अरे लेकिन उर्मिला, अभी तो मालपानी नहीं है ना, अभी क्या करें? एक काम करते ना, मालपानी को फोन लगाते। अरे हाँ लगाओ, आप उन भी ट्राई करते, हम भी ट्राई करते हैं। नहीं लग रहा। मैं काम करता हूँ ना, हाँ। उसके अमीर वाले फोन पे फोन लगाता हूँ। अरे हाँ लगा, तब तो वो उठा लेगी, अमीर है ना। क्या हुआ, क्या हो गया? अरे अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मालपानी का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया है। See how? और वो औरत जो मैसेज दे रही थी वो थाईलैंड की भाषा में बोल रही थी। क्या इसका मतलब? मिस मालपानी मसाज करवाने सीधा थाईलैंड पहुंच गई, वो भी इतनी जल्दी। मतलब उसको करानी थी ना मसाज। वैसे टेंशन नॉट, उर्मिला इज हियर देन नो फियर। मैं आरती की थाली लेकर आएगी। हाँ
ठीक है ठीक है। हाँ। उर्मिला रिपोर्ट तो हम जला देंगे। हाँ। लेकिन माँ को कहाँ से लाएंगे? अरे सर टेंशन नॉट, मिस मालपानी देखना आ जाएगी, मेरा दिल कहता है उनका फोन तो आएगा पक्का। मुझे लगता नहीं आएगी, जिस एटीट्यूड से जिस गुस्से से यहाँ से गई थी ना, मुझे लगता पहुँच गई थाईलैंड पहुँच गई और वहाँ मसाज करवा रही है। अभी मैं बोल रही थी तब। हाँ ठीक है ठीक है, एक तो पहले ही रिपोर्ट जलाने की टेंशन और फिर ये माँ की, मतलब माँ के बारे में क्या बोलेंगे अपुन? सुषमा बेटी, संस्कारी दीपक और मार नहीं खा सकता, उसे प्यार खिलाओ। मतलब मार से नहीं, प्यार से उसका इलाज करो। ये प्रवचन देने वाले थे? ये स्टार्टर है, मेन कोर्स अभी आ रहा है। पहले वेटर थे क्या? हम सब वेटर हैं और वेट कर रहे हैं परमात्मा से सम्मुख होने का। समझ में आया महाकन्या? हाँ हाँ प्रभु हाँ। तो चुपचाप बैठ के प्रवचन का आनंद लो। तो हम कह रहे थे कि महासंस्कारी दीपक को प्यार की आवश्यकता है, उसे चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। गुल बदन जाने मन, मेरी बात मानिए, सभी लोग हाथ जोड़ ले तो मेरे साथ गाइए, थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। अब सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और खड़े हो जाइए, हमारे प्रवचन का आनंद उठाइए, नृत्य करिए। वाह सबकी आंखें बंद हैं, चेक करो सबकी आंखें बंद हैं। महाकन्या आप अपनी दोनों आंखें बंद करिए वरना हमारे प्रकोप से आप भस्म हो जाएंगी। शमा शमा प्रभु शमा। सभी लोग आंखें बंद रखिए और गाने का आनंद लीजिए, नृत्य करिए। जया कहाँ जा रही हो? बस बाहर ये देखने कि वो आदमी अब तक लैब से रिपोर्ट लेके आया क्यों नहीं, कहीं उसे हमारा घर नहीं मिला होगा तो। हाँ, तो मैं देख के आता हूँ ना। नहीं मैं चले जाऊंगी। नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता। मतलब? मतलब कि बाहर ना मेन रोड पे बहुत खड्डे हो गए, तुमने देखे? अब नहीं देखे ना, देखो तुम जाओगी फिर तुमने खड्डे देखे नहीं कहीं गिर जाओगी, तो मैं इस बात का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जय मैं मेन रोड तक तो जा ही नहीं रही हूँ। हाँ। मैं तो सिर्फ यहाँ नुक्कड़ पे जा रही हूँ। नुक्कड़ तक जाना है ना तो फिर मैं ही जाता हूँ, तुम्हें क्यों जाना है? अरे मैं इतने दिन से बाहर भी नहीं गया, मेरे पैर भी थोड़े खुले हो जाएंगे, मुझे जाने दो। तुम एक काम करो तुम जाओ जाओ, तुम जाके आराम करो। अरे पर मैं चली जाऊं। जया तुम पूरा दिन इतना काम करती हो, मुझे कुछ तो काम करने दो ना। जाओ 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 आराम करो, मैं अभी जाके अभी आया। हाँ आराम से। ओह, अ पेन, अ गोल्डन पेन। ये कितने की है? सिर्फ 1 लाख की है। क्या 1 लाख की पेन? देखो इतनी महंगी। लक्की। हाँ? सुधाकर भैया क्या भी सुनते रहते हो, पिताजी के लक के लिए लक्की पेन है ना माँ? हाँ ये लक्की पेन है, लक्की लक्की सिर्फ 10 रुपए 10 रुपए की है। अच्छा अच्छा तभी मैं बोलूं 1 लाख की पेन थोड़ी होती है। बाय सुधाकर भैया। बाय। शी यार ये क्या लाइफ है यार, एक के बाद एक ट्रबल डबल होके आती रहती। अरे अंकल टेंशन काय को लेते हो, हम लोग है ना आपके साथ, आपके पार्टनर्स।
पार्टनर से ज्यादा आप सब लोगों ने ये सुना क्या 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 बड़ा झकास गाना है चलो डांस करते अट्ठाईस नवंबर को डबल ट्रबल लेकर सब टीवी पे आ रहे हैं पार्टनर्स मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 डबल मजा आएगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़